वो मेरी सहेली है ना सरला। वो सरला बहन क्या है, दाल फाल फाल के हंसती है। शर्म करो, उस बेचारी का आज सुबह कुत्ता गुम हो गया है। और रियली चलो अच्छा हुआ जान चुकी, पागल था वैसे भी वो कुत्ता, हर वक्त भौंकता रहता। मैंने कहा बोलो जगदंबे, उसने कहा माफ कीजिए वीर सिंह जी, मैंने कहा मार धर वरना आता हूं। गोगो क्लब का नाम तो तुम लोगों ने सुना होगा। गोगो क्लब का नाम तो तुम लोगों ने सुना होगा। तुम मर्डर की शिक्षा, ये भी तो हो सकता है कि एक मर्डर हो और एक सुसाइड। एक सुसाइड एक मर्डर, एक सुसाइड एक मर्डर। ये भी तो हो सकता है ना कि पहली डांसर का मर्डर उस दूसरी डांसर रूपा ने किया हो, फिर रूपा एकदम पछतावे की आग में जल भून रही हो और उसने अपनी जान ले ली हो। एक सुसाइड और एक मर्डर। हमारे तय कर लिया, ये केस प्रीति और पीके करेंगे। सीमा जी आज रात आप डांस करेंगे। बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत खड़ूस है, लेकिन यहाँ का मालिक है ना जमुना दास, वो बहुत ही अच्छा आदमी है। ड्यूटी पर नहीं है तो क्या हुआ, पुलिस वाले तो है ना, अगर किसी ने यहाँ पहचान लिया तो। प्रीति और पीके ने अभी तक मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मुझे एक लेटर मिला है। क्या कह रही हो तुम, तुमने अभी अभी अपना डांस प्रोग्राम दिया और तुझे फैन लेटर भी मिल गया। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। मुझे यकीन था तुम्हारा डांस प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा। काश काश मैं तुम्हारा डांस प्रोग्राम देख पाता। खैर ड्यूटी इज ड्यूटी, निभानी तो पड़ेगी, इसीलिए तो इन मच्छरों के बीच में फंसा पड़ा हूँ। लेकिन इसका मतलब तो नहीं प्रीति कि तुम अपनी नौकरी छोड़कर डांस को फुल टाइम प्रोफेशन बना रही हो? नहीं प्रीति ऐसा मत करना, विल मिस यू यार। पीके तुम ये क्या बोल रहे हो, ये कोई फैन लेटर नहीं है, ये लेटर रूपा जो मर गई है उसने लिखा है। हाँ, उसने मरने के बाद लेटर लिखा है? पीके मरने के बाद कोई कैसे लिख सकता है, तुम पागल हो गए हो, मरने से पहले लिखा है। क्या लिखा है? तुम मुझे बोलने दोगे तो मैं बताऊंगी ना। हाँ बोलो बोलो। पीके ध्यान से सुनना, ये खत रूपा ने अपनी माँ के नाम लिखा है और उसमें ये लिखा है कि वो पहली लड़की का खून बॉस ने किया है। प्रीति प्रीति हेलो, मैंने कहा था ना नॉक करके आया करो। मैंने नॉक तो किया था, शायद आपने सुना नहीं, सेठ जमुना दास जी ने आपको याद किया है। उनसे कहो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं उन्होंने अभी अभी बुलाया है। मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मैडम वो किसी का वेट करना पसंद नहीं करते, आप चलिए ना वरना आपके साथ साथ मेरी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। चलो housekeeping and maintenance and security. मुझे यहाँ कुछ करने के लिए भेजा है लेकिन मुझे याद नहीं है कि क्या करने के लिए भेजा है। मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रहा, आप मेरी तरफ देखे मत, आप जारी रखिए अपना कामकाज, मैं अपना कामकाज जारी रखता हूँ। मुझे कुछ ढूंढने के लिए भेजा है लेकिन क्या ढूंढने के लिए भेजा है कोई याद नहीं, इसलिए सब ढूंढना पड़ता है। ओहो हो लाइट का क्या हिस्सा है, लाइट जल रही है, टेलीफोन भी चल रहा है। पानी का जग यू ही पड़ा, पकड़िए इसको, पकड़िए इसको, क्या करने वाले आप, इसके साथ नहाने वाले हैं? इसको लो रखो, इसको कहाँ गया वो? हाँ ये सब कपड़े मेरे को नहीं, होटल का यूनिफॉर्म भी नहीं लगता है। ये क्या है, ये ताला, ये किसी जादूगर का कोट है क्या? ये लो रखो इसको संभालो, इसी ड्रॉ, ये ड्रॉ में क्या है, ये आप पुराने कागज आप लोग क्यों रखते हैं? लेटेस्ट न्यूज़। ओहो रखिए, कहाँ गया वो?
ओहो, चादर का तो पता ही नहीं था। चादर के बारे में आप लोग क्या ख्याल है? चादर एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस नाइट, एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग सेलिब्रेट, गुड नाइट, ऑल राइट, स्लीप टाइट। कुछ नहीं किया आपने, मेरे इतना कहने पर भी कुछ नहीं किया। अरे कुछ कैसे नहीं किया, मैंने हवलदार भेजा तो था सरला बहन किया, और क्या करूं? और क्या करूं? ये आप कह रहे हैं, पुलिस कमिश्नर संभाल कर कह रहे हैं कि वो और कुछ नहीं कर सकते। अरे वो सरला बहन की रो रो के हालत खराब हो गई है, और आज वो नक्चड़ी ललिता के यहाँ किटी पार्टी थी, मेरी सारी सहेलियां वहां आई हुई थी। मुझे कहती है तुम्हारे पति तो पुलिस कमिश्नर हैं, वो तो कुत्ता एक मिनट में ढूंढ सकते थे, फिर उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। फिर कहने लगी अगर मेरे मिस्टर पुलिस कमिश्नर होते तो अभी तक वो कुत्ता सरला बहन के घर पहुंच गया होता। अब आप जल्दी ही कुछ करिए, वरना मैं अपनी सहेलियों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। हेलो 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 सर, मैं पीके बोल रहा हूँ। हाँ पीके बोलो, इतनी रात को कैसे फोन किया? सर मैं यहाँ गोगो क्लब के गार्डन से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर प्रीति बार बार फोन कट कर देती है। नहीं नहीं पीके, तुम फौरन प्रीति से बात करो और फिर मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर। किसका फोन था? कुत्ता मिल गया ना, आपने वायरलेस पे उसका डिस्क्रिप्शन तो दे दिया ना। आओ सीमा आओ, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा डांस किया तुमने। मेरे ख्याल में अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नौकरी आज से पक्की। रही बात तनख्वाह की, तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, बस तुम मुझे खुश करती रहो। एंड नाउ लेट अस सेलिब्रेट। साहब मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या मतलब? वो नई डांसर आई है ना, अभी अभी सेल फोन पर किसी से बात कर रही थी। क्या? मैंने ऐसा जताया जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। कौन हो सकती है ये? यहाँ आने का मतलब क्या उसका? खैर सुनो गुलाब, उसे सेठ जी से दूर ही रखना। हाँ, 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 मैं अभी अभी उसको सेठ जी के पास ही छोड़ के आया हूँ। बेवकूफ कहीं के, रोको उसे। साकाल साहब, होटल में बॉम्ब फिट कर दिया है, ठीक 12 बजे फटेगा। होटल में बम? अरे होटल में बम फटने वाला है, होटल में बम फटने वाला है, बम है, बम 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 भागो, भागो, भागो। हेलो पीके। अरे तुम कहाँ हो प्रीति? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, तुम अचानक फोन कट कर देती हो। पीके मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं फोन अभी भी बहुत जल्दी कट कर दूंगी। कातिल कौन है मुझे पता चल गया है, तुम सुनोगे तो बिलीव नहीं करोगे। हेलो हेलो प्रीति, हेलो हेलो। हेलो हेलो सर, सर मैं पीके बोल रहा हूँ। कुत्ता मिल गया? हाँ पीके बोलो। सर मैं इंस्पेक्टर प्रीति से बात कर रहा था कि अचानक उसकी चीख सुनाई पड़ी और फोन कट हो गया। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? वो ठीक तो है ना? पता नहीं सर। अरे अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ब्रिगेडियर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। वो मुझसे कहेगा कि तुम अपने ऑफिसर्स की हिफाजत तो कर नहीं सकते, बाकी लोगों की हिफाजत क्या करोगे? मुझे तुम्हें वहां भेजना ही नहीं चाहिए था पीके। सर अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ मत करो, कुछ मत करो, वहीं बैठे रहो। मैं वीर सिंह को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं और मैं खुद भी वहां आ रहा हूं। ओके ओके सर। अभी कहां जा रहे हो? सरला बहन का कुत्ता ढूंढने। कितने अच्छे हो तुम। भागो भागो, अरे भागो। ए नवाब, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो, क्या क्या मतलब है? तुम्हारी पोल खोल दी है मैंने, सबको बता दिया होटल में बम है। होटल में बम? हां पागल तो नहीं हो गए तुम? कहीं तुम्हें सामने वाले होटल के मालिक को नहीं भेजा यहां दंगा करने के लिए? वहां तुमने डाइनिंग हॉल में हंगामा किया, खाने में माचिस की तिली है, सब कस्टमर को भगा दिया, अब चिल्ला रहे हो कि बम है होटल में? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे साथ खड़े रह के फटना नहीं चाहता हूं, मैं भागता हूं। मैं ब्रिगेडियर मल्होत्रा है। अरे ब्रिगेडियर, एसपी संभाल कर बोल रहा हूँ। ओए कमिश्नर, तुझे अपनी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत कब से पड़ गई यार? नहीं यार, इस वक्त क्या है, मैं कमिश्नर की हैसियत से बोल रहा हूँ। मुझे गिरफ्तार करना चाहता क्या? नहीं यार, तेरी बेटी एक्चुअली एक केस डील करने के लिए गई हुई है,
वहां उसे गुंडों ने गिरफ्तार कर लिया है। नहीं नहीं तू फिकर मत कर, तेरी बेटी मेरी बेटी है यार। कमिश्नर की हैसियत से बोल रहा है ना तू, फिर मेरी बेटी को अपनी बेटी क्यों कह रहा है? अरे इंस्पेक्टर प्रीति बोल, बोल इंस्पेक्टर प्रीति। अरे तू समझता नहीं है, तेरी बेटी है, तुझे बताना जरूरी समझा इसलिए बता दिया। अब एक बात बताना मैं तुझे जरूरी समझता हूँ। हाँ। मुझे अपनी बेटी की बहादुरी और काबिलियत पर भरोसा है कमिश्नर। अरे इसीलिए तो मैंने उसे इंस्पेक्टर बनाया है। तू चिंता मत कर, मेरी बेटी केस सॉल्व करके ही आएगी। अरे क्यों नहीं केस सॉल्व करेगी, वो तेरी बेटी हुई तो क्या हुआ, लेकिन मेरी तो इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर। खैर तू घबरा नहीं ब्रिगेडियर, मैं खुद वहां जा रहा हूं। ओके माय गॉड, सेठ जमुना दास कातिल। अच्छा अपने लेटर उस डांसर के हाथ में पड़ गया होगा, तभी उसे पता चला कि कातिल कौन है, तो उसकी भी जान खतरे में। क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? पहली बार एक केस मिला उसमें भी घपला हो गया, सारी रात इन मच्छरों में काटी और प्रीति का डांस भी देखने को नहीं मिला। कौन सर आप? थैंक गॉड सर आप आ गए। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे तो केस लेने से पहले सोचना चाहिए ना, मेरी भी मत मारी गई थी जो ये केस तुमको दे दिया, वीर सिंह को देना चाहिए था। तो क्या आपने वीर सिंह को कांटेक्ट किया? अरे कहां मिला वो लापता है, मुर्मू ने भी नहीं मिला। कमिश्नर साहब, वीर सिंह सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वीर सिंह मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ या नाराज। शादीशुदा मर्दों के साथ ऐसा हो जाता है। हम अभी अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे वीर सिंह। सच्चे दिल से मुझे जब भी याद करोगे मैं आग टपकूंगा। वीर सिंह कहाँ से आ रहे हैं तुम? सर ये एक बड़ी लंबी कहानी है। नहीं 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 लंबी कहानी अभी मत सुनाओ, बाद में सुनाना, सिचुएशन बहुत गंभीर है। मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? सर वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको एक बात करनी पड़ेगी। आपको ये कहना पड़ेगा कि वीर सिंह ये केस मैंने तुमको दिया। वीर सिंह ये केस मैंने तुमको दिया। नहीं नहीं सर मैं ये केस नहीं ले सकता। फिर क्यों वीर सिंह? सर क्योंकि ये केस आपने पीके को सौंपा हुआ है। अरे लेकिन अब मैं ये केस तुम्हें सौंप रहा हूँ, प्लीज इट इज एन ऑर्डर, टेक द केस। सर जब मैं रो रो के केस मांगता हूँ तो आप चिल्ला चिल्ला के मुझे केस नहीं देते, जब मैं कह रहा हूँ मुझे केस मत दो तो आप कह रहे हैं टेक द केस, टेक द केस। नहीं वीर सिंह मैं तो मजाक करता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो प्यार से कहता हूँ मेरे लाल वीर, टेक द केस, टेक द केस। सर आपको मालूम नहीं है मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है। सर जब आप मुझ पर चिल्ला चिल्ला कर रूट रूट के बातें करते हैं तो सर मेरे दिल के अंदर नहीं मैं तुम पर क्या चिल्ला रहा था, मैं तो स्पीकर पर चिल्ला रहा था। आप बताओ क्या प्लान है? कौन सा प्लान है वीर सिंह? अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। हाँ हाँ सर प्लान ये है कि आप लोग यही ठहरिए, मैं जाता हूं। किधर वीर सिंह किधर? मजा आ गया, ये मालूम पड़ गया कि असली कातिल कौन है। अब मुझे तुझे भी मारना होगा, भगवान कितना दयालु है। मैंने सोचा था 6 मर्डर बहुत हो गए, लेकिन अब ये 7वें का चांस मिल रहा है। माँ बाप बहन भाई और तो डांसर, अब तेरी बारी है, आज मैं कितना खुश हूँ। यह होती बेवकूफ, वो पहली डांसर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, कहती थी मैं उसके बाप समान लगता हूँ, और वो रूपा उसने मुझ पर शक हो गया, कह रही थी मुझे अरेस्ट करवाएगी। मैंने उसे मार डाला मैंने उसे। अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारू, ये बिल्डिंग से गिराने वाली बात में बिल्कुल मोनोटोनी सी है, मुझे वेरिएशन चाहिए वेरिएशन। तुम्हें कैसे मारू? रूपा ने अपनी माँ को खत लिखा था जो उसे नहीं मिला, वो खत तुम्हें मिल गया। कहा है वो खत? इसमें है। मेकअप रूम में हूं, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। और सुनो अगर जब तक कोई आइडिया हो कि तुम कैसे मरना चाहती हो तो मुझे बताना, शायद चार मुझे पसंद आए।
में डर के क्या देख रही हो? मैं वीर सिंह हूँ, वीर सिंह। आम आम तो इस वक्त सीजन में नहीं होंगे। पपीता, हजमा खराब है क्या तुम्हारा? खाना 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 खाओगी? हाँ, लेकिन निवाला कैसे उठाओगी और डालोगी कहाँ? किचन में गैस की टंकी फटेगी अगर जल्दी कुछ नहीं किया। खाना आ गया है। पहले किचन में खाना पकता था, आजकल टाकियां फटती है। तुम रुको, मैं आता हूँ। My God, this is my lucky day. अब मुझे तुम्हें भी ठिकाना लगाना होगा। एक दिन में दो दो मोटर क्या किस्मत खुली है? तुम पागल हो गए हो सेठ, पागल। इस दुनिया में मुझे सिर्फ छह इंसानों ने पागल कहा, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं, और अब तुम भी नहीं रहोगे। अगर मैं नहीं, तुम हो। सारी दुनिया है जिसे पता ही नहीं कि मर्डर करने में कितना सुख मिलता है। चुन्ना दास। अरे वीर सिंह, तुम यहाँ? सर, सब सब ठीक तो है? सर, सिचुएशन बहुत गंभीर है, मुझे किचन की तलाशी लेनी पड़ेगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। लेकिन प्रीति अंदर? हेलो, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ भाग्यवान। अरे मेरे सेल फोन पर मेरे सिवाय और कौन बात कर सकता है? लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। देखो, हाँ हाँ, ढूंढ रहा है भाई, लेकिन अभी तक नहीं मिला है कुत्ता। कौन, वीर सिंह? नहीं नहीं, वीर सिंह को मैंने ये केस नहीं दिया है। सर, ये क्या कह रहे हैं? आपने केस मुझे को दिया सर? तुम्हें ही दिया है, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। देखो, इस वक्त तुम मुझे तंग मत करो। देखो, अगर कुत्ता मिल भी गया ना, तो मैं उसे गुम कर दूंगा। हाँ सर, सर, कभी आप कहते हैं केस मेरा है, कभी आप कहते हैं मेरा नहीं है। मेकअप योर माइंड सर। अरे वीर, अरे नहीं सर, अब तो मैं केस की ऐसी तैसी, मेरा मतलब है केस को सॉल्व करके ही लौटूंगा सर। हाँ, लेकिन देखो देखो ध्यान से। सेठ चंद्रदास, तुम इतनी आसानी से मुझे और उस लड़की को ठिकाने नहीं लगा सकते। उसको शक तो मुझे हो रहा था तुम, इसलिए पिछले 15 दिनों से रिवॉल्वर लिए घूम रहा हूँ। जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। आप निकल जाइए, मैं इसको संभालता हूँ। जी, उससे बच के निकल गए, वो मुझसे बच के निकल गया। अब सवाल यह है कि मुझे क्या करना चाहिए? जवाब यह है कि तुम्हें उनके पीछे जाना चाहिए। थैंक यू ब्रदर। पता नहीं ये वीर सिंह कहां है, उसे तो हमने ये भी नहीं बताया कि प्रीति खतरे में है। पर सब, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे सब मालूम है। अरे उसे क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम, ये किसी को नहीं मालूम। हाँ सर, खुद वीर सिंह को भी नहीं। लेकिन हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। चलो चलिए सर। अरे देख कर चलो। हेलो, हाँ भाग्यवान, मैं ही हूं। क्या मिल गया? कहाँ है? सरला के गैराज में? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते, सरला का कुत्ता कहते हैं। हाँ डार्लिंग, अब तुम सो जाओ। ओके, गुड नाइट। चलो चलिए सर। अरे अगर आप यहाँ हैं तो मैनेजर कहाँ? वो मेरे पीछे ही था, लगता है आज अपनी जान लेकर ही छोड़ेगा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, किसी और को जान लेने का कोई हक नहीं है। अरे लेकिन आप कर ही क्या सकते हैं? अब आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। उस मैनेजर को जो भी करना है मेरी आंखों के सामने करना पड़ेगा। लाइए, आपकी कलाई का नाप ले लेता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अब आप पूरी तरह से इंस्पेक्टर वीर सिंह की हिफाजत में है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ चलिए, मुझे किसी और को बचाना है। आइए। प्रीति, प्रीति, थैंक गॉड यू आर सेफ बेटा। सर, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया है कि कातिल कौन है। इस होटल का मालिक सेठ चंदादास। हाँ, और हम सब शक उस बेचारे मैनेजर पर कर रहे थे। नहीं नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चंदादास को तो हम गिरफ्तार कर ही लेंगे। लेकिन ये वीर सिंह कहाँ है? सर वो आए थे यहाँ, किसी गैस लीक के बारे में बात कर रहे थे। गैस लीक? लेकिन तुम्हें इस हाल में छोड़कर वो गया कहाँ? वीर सिंह कभी किसी को छोड़ के नहीं जाता। मैं तो आप लोगों को छोड़ाने आ ही रहा था, लेकिन एक जरूरी काम था जिसे करना बहुत जरूरी था। इनसे मिलिए सर, यह है श्रीमान शेख जमुना दास जी।
तुमने जमुना दास को पकड़ लिया। अरे वाह मेरे लाल, कर दिया तुमने कमाल, जमुना दास को हथकड़ियां पहनाकर मेरे सामने पेश कर दिया। ये सब हुआ कैसे वीर सिंह? ये हुआ ऐसे कि तुम मच्छर मार रहे थे बाहर और ये केस सॉल्व कर रहे थे अंदर। सर। यस। नो सर, दैट सर। सर, यू आर अ मैजिशियन। इंस्पेक्टर वीर सिंह। हेलो सर। हेलो वीर। सर, इससे दो बातें साफ जाहिर होती हैं। एक तो ये कि पुलिस ऑफिसर का मेरी तरह होशियार होना बहुत जरूरी है, और दूसरा ये कि प्रीति की तरह कलाकार होना भी बहुत जरूरी है। वाह वीर वाह। ओवर एंड आउट सर। ओके।